चलिए अब आपको एक बार फिर से पूरा स्टेटमेंट क्या रहा मणिशंकर अय्यर का इस मसले को लेकर, ये भी बताते हैं। मणिशंकर अय्यर कहते हैं अपने बयान में, उनके पास एटम बम है, हमारे पास भी है, लेकिन अगर आपने उनसे बात की और उनको इज्जत दी तभी जाकर वे अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर आपने उनको ठुकरा दिया और कोई पागल वहां आ जाए और बम निकाल ले फिर क्या होगा। हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये दिखाना होगा कि समस्या का हल निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उनके पास एटम बम है, हमारे पास भी है, लेकिन अगर आपने उनसे बात की और उनको इज्जत दी तभी जाकर वे बम के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर आपने उनको ठुकरा दिया और कोई पागल वहां आ जाए बम निकाल ले फिर क्या होगा। हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये दिखाना होगा कि समस्या का हल निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर की भारत सरकार को सलाह। मणिशंकर अय्यर ये बता रहे हैं या धमका रहे हैं, अब ये तो वही बेहतर जाने कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और वहां कोई अगर सनी की सत्ता पर काबिज हो गया तो वो सीधे बम निकाल लेगा। भारत से अपनी दुश्मनी पूरी करने के लिए वो बम निकाल सकता है, एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इस इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर। और एक तरीके से इस इंटरव्यू में आरोप भी लगा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी तरह की टॉक्स में आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये भारत की तरफ से फुल स्टॉप लगाया गया है पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की बातचीत को लेकर के। अब मणिशंकर अय्यर भारत के होकर के भी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं, इसका बेहतर जवाब शायद कांग्रेस पार्टी को ढूंढना होगा।